यहाँ पर आ रहे होंगे आपके यूजर्स, एक यूजर्स की नोट बनी हुई ठीक है, यूजर और फिर उसकी फलाना दिमकाना जो भी डिटेल्स होंगी ठीक, और उस यूजर के बेस पे इसको छोड़ दो वॉल्यूम, और यह लाइन से वही मेथड जो जो हमने बनाया था ना, यहाँ पे आ गई की आपकी और फिर यहाँ पर आ गई इस तरीके से होगा। आप क्या करोगे, जब भी आपका यूजर लॉगिन होगा आप कहोगे टू डू स्लैश माय यूजर आईडी, तो खाली आपके टू डू जाते हैं यूजर वन है इसी तरीके से। तो मैंने यूजर्स को अलग रखा फ्लैग और यूजर्स के चैट्स को यूजर्स के टू डूज को मैंने अलग रख दिया। यही तरीका फायरबेस ने भी अपने आर्टिकल में भी समझाया था। मैं चाहता तो मैं बोलता यार यहीं पर यूजर आ जाओ उसी की डिटेल यहाँ पे रख दो ठीक है, यूं आओ एक नोट बना दो डिटेल की ठीक है, और इसके अंदर सारी डिटेल लिख दो और फिर उसके बाद यहाँ लिख दो टू डूज और यहाँ पे सारे से टू डूज लिख दो। लेकिन मैं मेरे को ही बोल रहा हूँ नेस्टेड काम नहीं करना, बड़ा क्लियर। एक बोर्ड मैं कुछ कर दूंगा, चाहो तो देख लेना रेफरेंस के तौर पे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह PWA करेंगे और लगे हाथों मैं दिखा दूँ गिटहब पे, तो मैं कुछ कर ही दूंगा पेमेंट के लिए। हाँ गिटहब की आईडी बता देता हूँ, नवान यारू गिटहब.com/नवान यारू।